उधर कुमार विश्वास ने ट्वीट भी किया है, हालांकि उस ट्वीट को आपको संदर्भ के साथ देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामचरितमानस की चौपाई का इस समय यहां पर उद्धरण बहुत कुछ बताता है। एक बार फिर से चलते हैं राकेश के पास, राकेश वाले कैमरे की निगाह से उनकी तरफ से जानकारी लेते हैं। राकेश बताइए। राकेश, राकेश आपसे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल धीरेश जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। एक बार फिर से रेड लाइट के आसपास देखिए, कुछ सपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं, कुछ कार्यकर्ता पहुंचे। एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो गई है और इनकी नारेबाजी के केंद्र में ईडी है। आप लोग ईडी को निशाने पर ले रहे हैं। ईडी कह रही है हम कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, कोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं। ईडी किसके इशारे में चल रही है ये सबको पता है। ईडी सीबीआई किसके इशारों में चल रही है ये सबको पता है, पूरी जनता को पता है। ये सातों सीटें हार रहे हैं, इन्होंने तभी सारे एमपी चेंज करे हैं और अब ये घबराने के कारण इन्होंने कहा सबको बाइकआउट कर दो और केजरीवाल को अंदर करो। नहीं, लेकिन कोर्ट ने भी तो कोई राहत नहीं दी ना, आज ये मांग करने पहुंचे थे कि गिरफ्तारी ना हो। वो इशारों पे चल रहे हैं सारे ईडी और वो सब इशारे में, कोर्ट इशारे पर चल रहा है और क्या। कोर्ट इशारे, कोर्ट ने तो जमानत दे दी है। वो ईडी 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 भारत की ईडी नहीं है, वो भाजपा की ईडी है, वो नरेंद्र मोदी ने। कोर्ट तो निष्पक्ष है ना, कोर्ट निष्पक्ष है। कोर्ट को जो फाइल, कोर्ट ने तो गिरफ्तारी फाइल बन जाए, अभी भी विचाराधीन है मामला। 22 हवा में फाइल बन जाए, आज फाइल लेकर पहुंचे चैंबर में, जज ने देखा, उसके बाद गिरफ्तारी से कोई नहीं। बताइए मनीष सिसोदिया की चार सीट अब तक क्यों नहीं दाखिल करी, एक साल हो गया, कभी एक साल हो गया क्यों नहीं दाखिल करी इन्होंने, एक भी सबूत बताइए, एक सबूत दिया है इन्होंने, कर देते हैं एक सबूत नहीं है तो ये तो कोर्ट ये देखता है ना कि कोई सबूत नहीं। काम की राजनीति क्यों नहीं करता मोदी, काम की बात करे ना, काम की बात पर राजनीति करे क्यों नहीं करता। तो शराब घोटाले की बात ना हो, शराब घोटाला किस तरह करा है, ये तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज करे, पीएमएल के तरफ क्यों दर्ज करते हैं। ये तानाशाही देश में चला रहे हैं मोदी जी, जितने सत्ता बदलेगी ना इनको हम बताएंगे कैसे सत्ता बदलती है, उस दिन पता चलेगा मोदी जी को, उस दिन आप बताएंगे। हाँ, उस दिन हमारी सत्ता बताएगी। तो कोर्ट ने बता दिया कि चोर कौन है, कोर्ट ने दिखा दिया। कोर्ट ने क्या बता दिया, बता दिया कि चोर कौन है, कौन है ये बॉन्ड, इतना जो चोरी हुआ किसने। पुलकित, पुलकित नागर के पास एक इम्पोर्टेंट अपडेट, शायद उधर से गाड़ी निकल रही है। पुलकित यहीं से रहे, यहीं से देखिए हलचल हुई है, गाड़ियां निकल रही हैं। एक गाड़ी यहां से निकलती हुई नजर आ रही है, वो गाड़ी किसकी है अभी साफ नहीं, लेकिन एक गाड़ी के लिए रूट खोला गया है और सामने आप पुलिस के अधिकारियों को देख सकते हैं उस गाड़ी से बातचीत करते हुए की तस्वीरें आपको सामने आती नजर आ रही है। सिर्फ एक गाड़ी, ये तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल इसमें नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अधिकारी या दूसरे लोग इसमें शामिल हो जो रूट को देखने के लिए बाहर की तरफ आए हो। सिर्फ एक गाड़ी अभी बाहर निकलते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं गेट नंबर 2 से। तो आप ये बता रहे हैं कि ये टेस्ट 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 व्हीकल है एक तरीके से, ये वो गाड़ी है जो ये देखने के लिए निकली है कि रूट कितना क्लियर है।